हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है? ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है। ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण, सब विशेष राज को छोड़ देगा, पप्पू यादव नहीं छोड़ सकता। हमें विशेष राज चाहिए, विशेष पैकेज, कोसी, सीमांचल, मगध, जो अलग अलग जोन है, मिथिला, हम उसको लिए डिमांड करेंगे। नीट नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खेलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है? और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ, वो एक ही बात है, एनटीए कोई भी भैया, एक नहीं और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही रहा है। एनजीओ में कौन थे, कौन बड़े बड़े नेता का एनजीओ था, जो दोषी है अध्यक्ष उसको नहीं निकाला गया? मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ यार, मैं टोटल। और दूसरा चीज, हर एग्जामिनेशन ही क्वेश्चन आउट हो रहा है। एक तो ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, आरक्षण आपने 65% गलत तरीके से, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार है, आपको अध्यादेश ले आना चाहिए था, आपने नहीं लाया। सदन में आप इसको लाइए, यह एक बड़ा मुद्दा है इस देश के दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए। दूसरा जो, तीसरा जो मुद्दा है वो है सब विशेष राज, विशेष पैकेज। सब विशेष राज को छोड़ देगा, पप्पू यादव नहीं छोड़ सकता। हमें विशेष राज चाहिए, विशेष पैकेज, कोसी, सीमांचल, मगध, जो अलग अलग जोन है, मिथिला, हम उसको लिए डिमांड करेंगे। हमारी लड़ाई आर पार की होगी, हम विशेष राज और विशेष पैकेज के लिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलेंगे कि आप किसी भी कीमत पर बिहार के 14 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। लोग सत्ता में जाने के बाद विशेष राज भूल जाते हैं, बिहारी, बिहारी फर्स्ट भूल जाते हैं। पप्पू यादव के खून में, सांस में बिहार की जनता है और इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देंगे। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।